प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, मैं हूं महेश पलावत, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। तो पहले देखते हैं वेदर सिस्टम क्या बने हुए हैं। तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, नॉर्थ पाकिस्तान पर है और ट्रफ रेखा पंजाब से हरियाणा होते हुए दिल्ली के थोड़ी सी उत्तर में आई है और जो लो प्रेशर एरिया था अब वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने वाला है और उत्तर प्रदेश के ऊपर देखा जाएगा। और दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन गंगा पश्चिम बंगाल में है। तो पिछले 24 घंटे में हमने देखा कि धार जो मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में है उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी बारिश हुई है और बाकी इलाकों में भी लाइट टू मॉडरेट रेन हुई है, यानी कि ओवरऑल जो रेन एक्टिविटीज़ थी ईस्ट राजस्थान में वो कम हुई है, लेकिन जो उत्तरी मध्य प्रदेश है उस इलाके में अभी भी जारी है और पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियाँ जैसे हमने बताया था बढ़ने वाली हैं। तो रांची में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है और झारखंड में भी काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, यानी कई इलाकों में जमशेदपुर वगैरह में। इसी तरह ओडिशा में पारादीप और बालासोर में अच्छी बारिश हुई है, मेदिनीपुर जो गंगे पश्चिम बंगाल है इस इलाके में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ी हैं। तो कुल मिलाकर के अब पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों में भी अगले 2 या 3 दिनों तक अच्छी बारिश रहेगी, यानी कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश इन सारे इलाकों को अच्छी बारिश मिलेगी। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियाँ लाइट टू मॉडरेट और एक दो इंटेंस स्पेल रहेगा। और लेकिन जो पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर इलाके हैं जैसे कि कलकत्ता हो गया, डायमंड हार्बर, 24 परगना, कौंटई, शांति निकेतन इन सारे इलाकों में भारी बारिश की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान। उसके बाद इस इलाके में बारिश में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन झारखंड और बिहार इन इलाकों में अब बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है क्योंकि ये जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है ये बिहार और झारखंड से होती हुई पश्चिम बंगाल के आसपास ही बनी रहेगी, यानी कि जो पूर्वी सिरा है एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ का वो नॉर्मल पोजीशन के आसपास रहेगा और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास आ जाएगा, जिससे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों सहित बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश होने की संभावना है, कई इलाकों में जलभराव भी हो सकता है। हालांकि बाढ़ जैसी स्थिति नहीं आएगी। तो जैसे हमने कल बताया था आपको कि गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, खुशीनगर इन सारे इलाकों में आरा, बलिया, देवरिया, पटना, गया और चंपारण, सीतामढ़ी और जैसे पूर्णिया में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है कल, पूर्णिया, भागलपुर इन सारे इलाकों में अच्छी बारिश होगी और जमशेदपुर में और चायवासा और ये जो लोहारडागा हो गया और ये जो है आपका डाल्टेनगंज और रांची इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी देखी जाएंगी। और अब क्या होगा कि उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं, जैसे कि सीधी, सतना, पाना, पन्ना, सिंगरौली इन सारे इलाकों में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। लेकिन जो उत्तर पश्चिमी भारत है, कल दिल्ली वगैरह में अच्छी बारिश हुई थी, फरीदाबाद वगैरह में, नोएडा, सब जगह बारिश की गतिविधियाँ हुई थी, आज बारिश की गतिविधियाँ ना के बराबर है। आज और कल जो होगा तो बहुत छुटपुट बारिश होगी, बहुत ही हल्की पैची रेन कई इलाकों में हो सकती है। और परसों से अब ये देखिए एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ जो एरो देख रहे हैं, यानी कि उत्तर में आ जाएगी और गंगे ये जो हिमालय की तराई में पहुंच जाएगी और इस इलाके में पश्चिमी हवाएं हो जाएंगी, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बाकी सारे इलाकों का मौसम शुष्क हो जाएगा, यानी कि पूर्वी राजस्थान में जो भारी बारिश हो रही थी वो भी अगले 24 घंटों के बाद यानी कि 10 तारीख से पूरी तरह खत्म हो जाएगी। लेकिन तब तक के लिए लाइट टू मॉडरेट रेन और एक दो अच्छा स्पेल रह सकता है, लेकिन जो बाढ़ की स्थिति है इस इलाके में धीरे धीरे कम हो जाएगी और जो पश्चिमी और उत्तरी मध्य प्रदेश है इस इलाके में भी मौसम शुष्क हो जाएगा, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियाँ अच्छी रहेंगी। तो कुल मिलाकर के अब जो मानसून है वो पूर्वी भारत में एक्टिव रहेगा और मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों में और छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों में एक्टिव रहेगा और बाकी ये पूरे इलाके शुष्क हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि फुटहिल्स में जब एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ जाएगी तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में 10 तारीख से भारी और मूसलाधार बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। इस समय का अगर सैटेलाइट पिक्चर देखें तो इस समय आप देखिए कि ये पूर्वी जो मध्य प्रदेश है इस इलाके में, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी बारिश अच्छी रहेगी और पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश रहेगी और एक आध स्पेल जो हुआ है आज हरियाणा वगैरह में वही देखने को मिलेगा और बाकी इलाके लगभग शुष्क बने रहेंगे। इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको आगे बताएंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।